और सुनाओ सब बढ़िया? नहीं कहाँ से बढ़िया होगा, क्या आ गया कमेंट में, क्या आ गया कल कमेंट में? एक तो तुम ना मेरे को बहुत अच्छे से जानने लगे हो, साले आधे से ज्यादा कमेंट में ये है। कल यानी ओपनिंग इसी से करेगा, क्या आ गया कमेंट में? कमेंटिंग फॉर एंगेजमेंट, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं खुद चाहता हूँ, दिल से अच्छा लगता है मुझे। बाकी हरामी लोग जो दूसरे कमेंट कर रहे हैं, कल किसी ने एक ने कमेंट किया है, जिंदगी हो तो ज्ञानी जैसी हो, वरना जिंदा तो के बाल भी है। कोई सेंस है इस बात का? मेरी जिंदगी में क्या अच्छा हो रहा है भाई? कल लाइव स्ट्रीम के लिए बोला, लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया। सुबह बोला कि आऊंगा, साला नींद नहीं खुली मेरी, पाप लगे मुझे, ना पैसे हैं ना लड़की है और क्या नहीं है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आईफोन तक नहीं है यार मेरे पास, साले कुत्तों की जिंदगी, ये जिंदगी चाहिए तुम्हें? अबे ऐसी जिंदगी कौन चाहता है जहाँ पे तुम्हारे सर से ज्यादा बाल नीचे हैं, कुत्ता की जिंदगी। अबे साले, और ये तो कुछ नहीं, दूसरा बंदा कमेंट करता है, क्योंकि कल मैंने तुम्हें बताया था कि बाटा फॉरेन स्विस कंपनी है, तो किसी ने मीम बना दिया इस पे, यानी बाटा कौन से देश की कंपनी है, मैं, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम पैरागॉन वाले हैं। अबे क्या पता वो भी फॉरेन कंपनी हो, ढूंढना पड़ जाएगा मुझे। पैरागॉन मेरे पास कौन सी है? मैं तुमसे भी गरीब हूं, तुमसे भी ज्यादा गरीब हूं, पकड़ो। इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना मैंने, कौन है ये? एक्वालेट, साला चलता जमीन पे एक्वालेट, पापी। ये भी CLWL है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? पता कितना मजा आता है जिस चीज में कि मैं तुम्हें गालियां देता हूँ फिर तुम मुझे गालियां देते हो, कितना मतलब कोई बैड ब्लड नहीं होता इसमें। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये? दिलजीत और साहब कंगना तेरा नी, जस्ट इनके सुनने वालों, अभी रिसेंटली कंगना न्यूज में थी, क्योंकि उसने जो अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें एक ओल्ड एज लेडी की फोटो से कंपेयर किया था शाहीन बाकी एक फेमस ओल्ड एज लेडी के से, और कहा था कि ये बुड्ढी दादी 100-100 रुपए में एक्टिंग करती है, और ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं फार्मर प्रोटेस्ट। फार्मर प्रोटेस्ट है ही नहीं, वो खालिस्तान वाले हैं। सेंस ये था उसका, बट बाद में लोगों ने बोला कि अबे अंधी चेक कर, दोनों अलग हैं। अरे अलग है यार, मैं बोल रहा हूँ तेरे को। जिसके बाद कंगना ने वो पोस्ट डिलीट कर दी थी। तो इसके बाद कल रात को दिलजीत ने एक वीडियो शेयर करी जहाँ पे जितने भी फार्मर्स ओल्ड एज लेडी थी ना, उन्होंने शेयर किया कि कंगना ने जो बात बोली वो गलत बात है, कि हाँ मतलब 100 रुपए में बोले हमारे पास ले आओ, हम 1000 रुपए अभी दे देते हैं उसको, जो एक वैलिड पॉइंट है। और इसमें उसने कंगना को भी टैग किया था, और अभी अगर तुम दिलजीत को फॉलो करते हो वो बहुत सारे ट्वीट कर रहे हैं फार्मर सपोर्ट, फार्मर प्रोटेस्ट के सपोर्ट में, और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे सोनू सूद हो गया, खली हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं कि इकलौता दिलजीत है। बट क्योंकि दिलजीत ने हमने पहली पोस्ट में कंगना को टैग किया था, तो इस पर कंगना ने रिएक्ट किया बड़े रिस्पेक्टफुली। तो इस पर कंगना का था कि ए करण जौहर के पालतू पालतू, तूने एक फिल्म कर ली उसके साथ, 2-3 फिल्में कर ली तू पालतू, मैंने इतनी सारी फिल्में करी इंडस्ट्री में बट तू पालतू। तो उसने बोला कि मैंने जो शाहीन बाग में थी उसके ऊपर बोला था, वो आज किसानों के लिए भी प्रोटेस्ट कर रही है, मैंने इन औरत का तो नाम ही नहीं लिया, इनको तो मैं जानती भी नहीं। मैं सही बोलना चाहूंगा, बट एक्चुअली मैंने जो बोला दिलजीत का भी वही रिप्लाई था कि तूने जितनों के साथ करी तो लिस्ट बहुत लंबी होगी, और ये इमोशनल और प्रोपेगेंडा करना तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है। इस पे अगेन कंगना रनौत ने रिएक्ट करते हुए बोला, ओ चमचे जिनकी तू चैट का अपना काम करता है ना, मैं उनकी रोज बजाती हूँ। मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आता कैसे बजाते हो तुम लोग, ये सिर्फ बकवास करना होता है। मेरा नाम कंगना रनौत है, मैं तेरी तरह चमची नहीं हूँ, और मैंने सिर्फ शाहीन बाग वाली औरत पे कमेंट किया था, अगर कुछ और बोला हो तो प्रूफ कर दो, मैं माफी मांग लूंगी। लोगों ने बस वो स्क्रीनशॉट ले रखा था, सबने पेल दिया। गजब बेइज्जती भाई, गजब। जस्ट इनके तुम्हें वो ट्वीट याद नहीं है तो ये ट्वीट है उसका, बट जो भी हो। इसके बाद दिलजीत ने फिर से रिप्लाई किया उसको कि ओ मैं बड़ा काम करता हूँ, ठीक है, मैं नहीं जाता बॉलीवुड में, मैंने स्ट्रगल नहीं करी, बॉलीवुड आते हैं कि सर फिल्म कर लो। मैं पहली बार ना दिलजीत की साइड से ऐसी ट्वीट्स पढ़ रहा हूँ, बट फिर भी ये रिस्पेक्टफुल है, बट हाँ तुम्हें पता है कि वो गुस्सा हो चुका है। अब इसके बाद जो चला ना, एक तो दिलजीत पूरा पंजाबी बोलता है, और इतनी तगड़ी मेरी भी पंजाबी नहीं है, पता नहीं दिलजीत पंजाबी बोल रहा है वो कंगना को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट उसने किसी ट्वीट में तो बोला था कि वो मुझे पंजाबी आती है, ये लोग ही राइट्स कराते हैं, और तुम एंटी नेशनल देशद्रोही, आतंकवादी, पता नहीं क्या चल रहा है। बट द पॉइंट इज तुम्हें पता चल गया क्या कौन बेवकूफ है इसमें से, मतलब कहीं की बात कहीं ले जा रही है और बातें घूमे जा रही हैं। बेफालतू में बेसिक जो है ना दिलजीत का, कि वो माफ़ी मांगे और थोड़ा मुंह बंद रखे। जो बॉलीवुड में हंगामा मचा रखा है वो करने की जरूरत नहीं है। तुम कैसे किसी को भी बोल सकते हो ये 100 रुपए की दिहाड़ी में काम करती है? और एक बात मैंने कहीं पढ़ा था इसकी ट्वीट करने के बाद कि मेरी एक चुटकी पे ना मीडिया वाले आ जाएंगे मेरे को ट्विटर छोड़ने के, मैं ट्विटर पे ना रहूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चुटकी पे तो राखी सावंत के लिए भी मीडिया आ जाती है, वो तो क्या कहते हैं उसे, है ही अमरीका का दलाल बहनचोद। बात इधर से उधर घूमती जा रही है, और आपस में तुम कितना भी लड़ो बट इससे फार्मर्स को सपोर्ट नहीं जाएगा। मे भी हमें थोड़ा स्पाइसी
न्यूज मिल जाए इससे, बट जो रूट कॉज है फार्मर प्रोटेस्ट की वो सॉल्व नहीं हो रही इससे। जब से ये प्रोटेस्ट चल रही है मैं हर दूसरे वीडियो में ये बात कर ही देता हूँ कि अगर फार्मर्स उस रूल से जो सेंटर ने पास किया है उससे खुश नहीं है तो उन्हें रीएनालाइज करना चाहिए। और ऐसा किसी को लेबल करना दिहाड़ी वाली है 100 रुपये में या फिर खालिस्तानी है, मतलब जस्ट बिकॉज तुम से अलग ओपिनियन रखा तो मुझे एंटी नेशनल बोल देते हो, पढ़ा लिखा बोल रहा है तुम उसे अर्बन नक्सल बोल दोगे, मतलब तुम्हारे खिलाफ जो भी जा रहा है वो देश के खिलाफ है। ये तुम देश नहीं हो, देश हम दो सबसे मिलके बना हुआ है। और ऐसा करना मेरे को लगता है गलत होगा। मैंने लास्ट टाइम भी कंगना के लिए यही बोला था कि ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और इवन इन ट्वीट्स में कितनी गंदगी दिखती है, तुम खुद फील कर सकते हो वो चीज़। तो मेरा सपोर्ट जाएगा इसमें दिलजीत को। और मेरे को बस एक गाने की लाइन याद आ रही है दिलजीत और गुरदास मान की, कह रहे ने लोग सयाणे की बण दुनिया दा सचवाद शबा गुरु जाने। मेरे को आती याद नहीं आ ढंग से, उतनी पंजाबी नहीं आती मुझे, बट लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है कौन किसको सपोर्ट करना चाहोगे तुम। दिलजीत और मैं हमेशा फार्मर सपोर्ट्स में रहेंगे और मेजर सेलिब्रिटीज आ चुके हैं फार्मर सपोर्ट्स में, और मेरे को लगता है जितना सपोर्ट मिलेगा फार्मर्स को उतना उनके लिए बेटर है, उतनी जल्दी गवर्नमेंट सुन सकती है। और मेरे को जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं सुन रही है। तो लेट मी नो तुम क्या सोचते हो और तुम किसको सपोर्ट करते हो। बाकी मूव ऑन करेंगे एक और सैड न्यूज़ की तरफ, जो आप तक तुम्हें पता चल चुका होगा, MDH ओनर जो थे, जो तुम्हें एड्स में दिखते थे, वो अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह 6 बजे के करीब में उनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। फ्रेंकली बोलो मेरे को मालूम नहीं है तुम में से कितने लोगों ने वो जो किया हुआ है, क्योंकि हमारे बचपन से लेकर जवानी तक में वो हर एड में दिखे और एज इट इज दिखे थे। हम लोग सब ने जोक मारा, अरे इमोर्टल है ये, इनको कुछ नहीं हो सकता। बट जब मैंने ये न्यूज सुनी ना मेरे को दिल से बुरा लगा। स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस को नाम दिया, ब्रांड बनाया और एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो मुझे नहीं पता थी उनके बारे में कि वो पाकिस्तान में जन्मे, फिर इंडिपेंडेंस टाइम पे वो इंडिया मतलब रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे, फिर दिल्ली शिफ्ट हुए, साबुन बेचा हुआ है, टांगा चलाया हुआ है, और ये रियल इंस्पायरिंग स्टोरी उनके बारे में। और ये लेगेसी, ये कंपनी और हमारी यादें, वो एडवर्टाइजमेंट्स सब हमें याद रहेगा। सो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। कैमरा डेड हो गया था। बट शाहरुख खान न्यूज में आ गए हैं। एक एक्टर हैं लिलीपुट करके, मतलब उनको क्या बौना ही कह सकते हैं, सही होगा बौना बोलना, मतलब डॉर्फ करके होता है इंग्लिश वर्ड, तो उनके वो डॉर्फिज्म करके बीमारी है, और तुमने उनको देखा भी होगा देख भाई देख में, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, लेजेंडरी एक्टर। सो इन्होंने अभी कमेंट पास किया है शाहरुख खान की जीरो पे। बौने लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं जिनके पास ये बीमारी होती है। मेरे को अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ना तो ये इंटेंशनल नहीं है, मुझे कोई दूसरा वर्ड याद नहीं आ रहा है, प्लीज माफ कर देना अगर मैं ऑफेंड कर रहा हूँ, बट उनका एक वैलिड पॉइंट है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये मूवी में शाहरुख खान को बौना बन के दिखाया गया है, बट वो कहीं से भी एक बौने की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मतलब एक नॉर्मल बंदा है जिसकी हाइट छोटी रह गई है, बट अगर तुम देखोगे तो जो नॉर्मल डॉफ होते हैं उनकी फिजिकल अपेयरेंस बहुत डिफरेंट होती है, और वो ऐसा नहीं कि उनमें कुछ डिफरेंट है, बस उनकी हाइट कम है, बाकी वो चल भाग कूद सब सकते हैं, एक्टिंग भी कर सकते हैं। और वो क्लासिक एग्जांपल है, तुम सबकी बचपन की यादें होंगी अगर तुम 90s बॉर्न हो। सो मेरे को लगा वो एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं था शाहरुख खान का वो रोल करने का, बट पता नहीं क्यों डायरेक्टर प्रोड्यूसर कास्टिंग सबको सही लगा वो, बट इन दी एंड मेरे को लगता है लोग ये चीज़ कहीं ना कहीं फील कर चुके थे, इसलिए मेरे ख्याल से उसने ज़्यादा पैसे नहीं बनाए, मैं पक्का नहीं हूँ। बट मैंने वो मूवी देखी थी बहुत बाद में कैटरीना कैफ के लिए, कोई सेंस ही नहीं है, साइंस फिक्शन कह रहे हो उसे, क्या है वो, मेरे दिल से वो टकलात में निकल गया भाई, सर ये तो टट्टी है। बट उनका मेरे को लगा एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि मतलब कल मैं सावधान इंडिया देख रहा था, वहां पे गंजे का एक कैरेक्टर है बट बाल वाला गंजा है वो, तो सालों ने उनके सर पे मेकअप कर दिया। अबे कोई गंजा उठा ले, साले ट्रांसजेंडर के ऊपर मूवी बनती है तो ट्रांसजेंडर एक्चुअल ले सकते हैं वो भी एक्टिंग कर सकते हैं, बट नहीं दूसरे बंदे को बनाएंगे, अक्षय कुमार बनेगा, तो वो मेरे को भी कभी सेंस नहीं बनता। बट अगेन ये उनका पैसा है, उनकी इंडस्ट्री है, तो मैं मालूम है क्या चल रहा है आजकल, जिसपे कंगना दीदी ने बहुत कुछ बोला हुआ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट लेट मी नो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। और अभी के लिए इतना काफी है, आई होप ये वीडियो जल्दी आ जाए, कल की तरह लेट ना हो, ताकि मैं लाइव स्ट्रीम कर सकूं, आई रियली वांट टू डू लाइव स्ट्रीम्स, और मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, आई हेट लाइव स्ट्रीम्स, आई जेन्युइनली हेट लाइव स्ट्रीम्स। पता ये क्या, लाइव स्ट्रीम मेरे को पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। सो जब तक मैं लाइव स्ट्रीम ज्वाइन नहीं करता ना, स्टार्ट नहीं करता, तब तक मेरे को ऐसा मतलब प्रेशर हो रहा था, क्यों यार क्यों करना है क्यों। बट फिर जैसे लाइव स्ट्रीम होती है ना 10-15 मिनट बाद, फिर मैं चल आउट हो जाता हूँ, लोग आ जाते, तो फिर बात होने लगती है,
तो मेरा दिमाग भटक जाता है, फिर वो सोचता नहीं हो, बट आई हेट लाइव स्ट्रीम्स। सो अगर तुम मुझे मिजरेबल देखना चाहो तो ज्वाइन मी इन, क्या पता बोल रहा हूँ फिर ना हो। चलो देखते हैं, मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए पीस आउट। आज का क्या, जो तुमसे सच्चा प्यार करता है ना, वो तुम्हें डांट सकता है पर तुम्हारे साथ बुरा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी, उसका गुस्सा, तुम्हारी फिक्र और उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार दिखाता है। श्योर स्टोरी ब्रो।